नोएडा में डूब क्षेत्र में प्रशासन ने अवैध रूप से बनी करीब 12 से 13 दुकानों को ध्वस्त कर दिया और 7000 वर्ग मीटर जमीन को कब्जा मुक्त कराया। बुलंदशहर में जो पीजी डिग्री कॉलेज स्टाफ ने हिजाब में छात्राओं को कॉलेज में दाखिल होने से रोका, जिसके बाद छात्राओं के परिजनों ने कॉलेज परिसर में हंगामा किया। गाजियाबाद में आवास विकास की अनदेखी, ओपेक्स बिल्डर करोड़ों का खेल कर रही है, ओपेक्स बिल्डर ने ईडब्ल्यूएक्स और एलआईजी फ्लैट नहीं बनाए। वहीं इस मामले पर बिल्डर पर शासन ने संज्ञान लिया, जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह को जांच की जिम्मेदारी सौंपी। बाराबंकी में ड्रग्स और पशु तस्करों के खिलाफ जिला प्रशासन की कार्रवाई जारी, ड्रग तस्कर का 55 लाख का मकान किया गया कुरकुरकी के दौरान ढोल बजवाकर मुनादी भी करवाई गई। फतेहपुर के किशनपुर में बाल बालाओं ने ठुमके लगाए, महेवा गांव के पूर्व प्रधान ने नया मकान बनाने की खुशी में गांव में भंडारे का आयोजन किया, भंडारे में बाल बालाओं ने डांस किया। बदमाश का एक साथी फरार, पकड़कर बदमाश राजेश पर था 25,000 रुपए का इनाम, लूट के पैसे हथियार कारतूस और बाइक बरामद। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की सह अध्यक्ष मेलिंडा फ्रेंच गेट्स ने सीएम योगी से उनके आवास पर मुलाकात की, इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश की तारीफ भी की। उपचुनाव के नतीजों से पहले भाजपा और सपा विधायकों का अलग रंग देखने को मिला, एकाना स्टेडियम में दोनों पार्टी के विधायकों के बीच फ्रेंडली क्रिकेट मैच खेला गया। उपचुनाव को लेकर सपा ने बोला सरकार पर हमला, बोले उपचुनाव में मतदाताओं से छीना गया उनका अधिकार, रामपुर में मताधिकार का इस्तेमाल करने वालों पर पुलिस ने अत्याचार किया। ईवीएम को लेकर सपा के सवाल पर मंत्री कौशल किशोर ने कहा कि अखिलेश यादव को हार का डर है, इसलिए बचकाना हरकत कर रहे हैं। उपचुनाव के लिए बनाए मतगणना केंद्र पर सुरक्षा बलों की तैनाती, मैनपुरी लोकसभा रामपुर खतौली विधानसभा के कल आएंगे नतीजे। रामपुर उपचुनाव के नतीजे कल आएंगे, मतगणना को लेकर तैयारियां पूरी, मतगणना स्थल पर पुलिस पीएसी और बीएसएफ के जवान तैनात। खतौली उपचुनाव को लेकर भी मुजफ्फरनगर के कुकड़ा मंडी में स्ट्रांग रूम में ईवीएम को सुरक्षा के घेरे में रखा गया, सुरक्षा बल की टीम पूरी मुस्तैदी से डटी है। सीएम योगी का बरेली दौरा, आज सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, बरेली कॉलेज ग्राउंड पर होगा प्रबुद्ध सम्मेलन, सीएम योगी करेंगे संबोधित, कई परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। शाहजहांपुर भी जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, शाहजहांपुर में प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करेंगे, इसके बाद करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात देंगे। सपा विधायक इरफान सोलंकी पर दो और केस दर्ज, इरफान के भाई रिजवान पर भी रंगदारी धमकी और प्लॉट कब्जाने का केस दर्ज, भाजपा नेता ने दर्ज कराए मुकदमे। ईडी के रडार पर शिवपाल सिंह यादव, सीबीआई जांच में 173 लोगों के नाम सामने आए, 34 लोगों से पूछताछ के लिए ईडी का नोटिस। यूपी में 6 आईपीएस अधिकारियों का तबादला, आकाश कुलहरी एसीपी प्रयागराज बने, जुगल किशोर तिवारी को फायर सर्विस का डीआईजी बनाया गया, गाजियाबाद के एसीपी बने दिनेश कुमार। पीएफआई सदस्यों पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप तय, ईडी की स्पेशल कोर्ट ने पीएमएलए एक्ट के तहत सभी 7 सदस्यों पर आरोप तय किए। मुख्तार अंसारी की पत्नी को ईडी का रिमाइंडर नोटिस, मनी लॉन्ड्रिंग केस में बयान दर्ज करने के लिए भेजा नोटिस, पहला नोटिस मिलने पर नहीं पहुंची थी अफशान सारी। अल्मोड़ा में जिला और मोर्चा कार्यकारिणी गठन को लेकर भाजपा ने सर्किट हाउस में बैठक की, प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों ने अपने पसंदीदा नामों की लिस्ट सौंपी। देहरादून में उच्च शिक्षा विभाग का आज से 2 दिवसीय चिंतन शिविर शुरू, सीएम धामी ने चिंतन शिविर का शुभारंभ किया। सरकार टेक होम राशन योजना को लेकर बदलाव करने जा रही है, उसे लेकर महिला स्वयं सहायता समूह ने सवाल उठाए और कहा कि राशन वितरित रोकने से हजारों महिलाएं बेरोजगार हो जाएंगी। खटीमा में लोहिया हेड रोड पर प्रशासन ने अतिक्रमण पर जेसीबी चलाया और शारदा विद्युत खंड की जमीन पर अवैध रूप से निर्माणाधीन भवन को ध्वस्त किया। काशीपुर में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने 270 कैंटर से भारी मात्रा में अवैध लीसा पकड़ा, पुलिस ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। हरिद्वार में निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी की फेसबुक आईडी हैक हो गई, हालांकि हरिद्वार साइबर क्राइम उनकी आईडी फिर से रिकवर कर ली। रुड़की के मंगलौर से झबरेड़ा सड़क मार्ग पर जगह जगह गड्ढे ने हादसों को दावत दे रही है, लोगों ने शिकायत के बाद भी गड्ढे नहीं भरे जा रहे। पौड़ी में एचआईवी संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ने से स्वास्थ्य विभाग चिंतित, इस साल मरीजों की संख्या 299 तक पहुंच गई। केदारनाथ हाईवे और बद्रीनाथ हाईवे को जोड़ने के लिए 900 मीटर सुरंग का कार्य शुरू हो गया है, बेलने वाली पहाड़ी से सुरंग बनाई जा रही है।
उत्तराखंड पुलिस के पास जल्द अपना एक हेलीकॉप्टर होगा, जिसके लिए पुलिस मुख्यालय द्वारा शासन को जल्द प्रस्ताव भेजे जाने की तैयारी है। जोशीमठ में भारी बर्फबारी के बाद हेमकुंड साहिब की पवित्र सरोवर जमकर बर्फ बन गई। रात को हेमकुंड साहिब का पारा शून्य से नीचे -12 डिग्री तक लुढ़क गया। वाराणसी के गदौलिया चौराहे पर पहुंचे अभिनेता अजय देवगन, एक्टर के साथ सेल्फी लेने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। किसी फिल्म की शूटिंग के लिए वाराणसी आए हैं अजय देवगन। काशी तमिल संगमम में दीपोत्सव का आयोजन, हजारों दीपों से जगमग हुआ कार्यक्रम। बीएचयू एनएसए के स्वयंसेवक और काशीवासियों ने जलाए 5100 दीप। गाजियाबाद में मेन रोड पर पोल गिरा, कई गाड़ियां चपेट में आने से बची ट्रैफिक, हुआ बाधित। पोल को लेकर लोगों ने उठाए सवाल। सहारनपुर में दूध देने वाले बकरे की जांच की तैयारी, पशु चिकित्सकों की टीम करेगी जांच, रोज देता है 0.5 लीटर दूध। बागपत में सड़क पर घायल मिले छात्र की मौत का मामला, लोगों ने बड़ौत नगर में निकाला कैंडल मार्च, पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप। लखनऊ में व्यापारी से लूट, बाइक सवार दो बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। व्यापारी के मुताबिक बैग में था 15 लाख रुपया। आलमबाग के मवैया की घटना। अतिक्रमण मुक्त अभियान को लेकर हरिद्वार में एक्शन, सरकारी संपत्तियों पर से हटाया गया अवैध अतिक्रमण। दूसरे चरण में रोटी बेलवाला में हुए अतिक्रमण जमीन दोष। पिथौरागढ़ के नारायण आश्रम जा सकते हैं पीएम मोदी, अगले साल मानस खंड कॉरिडोर योजनाओं का शिलान्यास भी संभव। स्वदेश दर्शन योजना के तहत 100 करोड़ से ज्यादा राशि देगा केंद्र। फिरोजाबाद में पीड़ित परिवार से मिले साक्षी महाराज, परिवार के 6 लोगों की जलकर हुई थी मौत। श्रद्धा मामले पर कहा, टुकड़े करने वाले नहीं सुधरेंगे, इसलिए हिंदू बहनों को ज्यादा सावधान रहने की जरूरत। सपा ने चुनाव आयोग पर लगाए गंभीर आरोप, कहा रामपुर और मैनपुरी में हुआ चीरहरण। चुनाव आयोग बन रहा धृतराष्ट्र, फिर भी दोनों जगह समाजवादी पार्टी की ही जीत। लखनऊ में नए पीसीएस अधिकारियों से मिले सीएम योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री ने 2020 बैच के पीसीएस अधिकारियों से मुलाकात की। दिल्ली नगर निगम चुनाव की मतगणना जारी, 15 साल बाद एमसीडी की सत्ता से बाहर होने वाली है भाजपा, रुझानों में आम आदमी पार्टी को बहुमत। संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई, संसद में नेताजी मुलायम सिंह यादव समेत दिवंगत सदस्यों को दी गई श्रद्धांजलि, 29 दिसंबर तक चलेगा सत्र। राज्यसभा में पीएम मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तारीफ की, पीएम ने कहा कि मुर्मू के रूप में देश की गौरवशाली आदिवासी विरासत हमारा मार्गदर्शन कर रही है। राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने नए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की भी तारीफ की, प्रधानमंत्री ने कहा आप संघर्षों के बीच जीवन में आगे बढ़ते हुए इस मुकाम पर पहुंचे हैं। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले पीएम मोदी ने मीडिया को किया संबोधित, उन्होंने कहा कि भारत को G20 की मेजबानी मिलना बड़ा अवसर है, ये दुनिया के सामने भारत की क्षमता को प्रदर्शित करने का मौका है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा यह शीतकालीन सत्र अहम फैसलों के लिए जाना जाएगा, भारत को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी नए अवसरों को ध्यान में रखकर कई अहम फैसले इस सत्र में लेने की कोशिश की जाएगी। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को शेर सुनाया। मेरे बारे में कोई राय मत बनाना गालिब, मेरे बारे में कोई राय मत बनाना गालिब, मेरा वक्त भी बदलेगा तेरी राय भी बदलेगी। दिल्ली में मासूम की मौत पर हंगामा, प्रीति विहार से 30 नवंबर को किडनैप हुआ 4 साल का बच्चा, मेरठ में मिला था शव, लोगों ने रोड जाम किया, पुलिस के पहुंचने पर हंगामे को शांत कराया गया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।